हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल दिस साइड, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ट्रिम्स. सो वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ द संडे नीट टॉक्स विद स्माइल. तो अब हम बिल्कुल पास आ चुके हैं अपने नीट एग्ज़ाम के, बस एक एपिसोड और आएगा एंड देन आपका नीट एग्ज़ाम आ जाएगा. तो आई होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. तो अब इस सेकेंड लास्ट वीक में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए. तो इस वीक में आपको सबसे मेन क्या काम करने है कि इस वीक में आपको टेस्ट देने हैं. इस वीक में टेस्ट नहीं छोड़ने, क्योंकि अगले वीक में हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी टेस्ट नहीं देंगे. तो दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ योर एंटायर, मतलब जो नीट जर्नी है जिसमें आप टेस्ट देने वाले हैं. तो इसमें जो टेस्ट दोगे बहुत अच्छे से देना. एंड जो टेस्ट दोगे वो ज़रूरी नहीं है कि डेली दो, डेली हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डेली नहीं हो पा रहे तो ऑल्टरनेट डेज पर तो देना ही देना है. एंड डेली आप क्या करो कि बायो का ऐसे फुल सिलेबस टेस्ट दे लो, या कोई भी, मतलब बायो का तो फुल सिलेबस आपको डेली ही देना है, मतलब अलग से भी. इन जो 200 मार्क्स का, मतलब 200 क्वेश्चंस का जो पेपर है, उसके अलावा भी आपको बायो का तो अलग से देना ही देना है. नेक्स्ट इज दैट बायो का टेस्ट आपको डेली देना है. फिर आपको इस वीक के अंदर क्या करने कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने हैं. जो मैंने चैनल बताया था आप वहाँ से देख लेंगे, एंड मतलब उससे आपका थोड़ा फास्ट रिविजन हो जाएगा. अदरवाइज जो आपने स्टार मार्क किए हैं वो करें. एंड याद रखिए, जो इस वीक में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं ना, तो उससे बहुत अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने को बोलूँगी, लेकिन तब आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार मार्क क्वेश्चन रिवाइज करने होंगे. जो आप इस वीक स्टार मार्क करेंगे, तो आप कुछ भी एक अलग सा पेन ले लो, पिंक कलर का ले लो, कुछ ले लो, क्योंकि पहले हो सकता है आपने रेड कलर यूज़ किया हो या कुछ भी. तो अब जो आपको नहीं आते वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, मतलब ज़रूरी थोड़ी है शुरू से जो नहीं आ रहे वो अब तक नहीं आते होंगे ना. तो आप इस वीक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार, मतलब नज़रों के सामने से फेरो, मतलब ये नहीं है एक एक सॉल्व करने बैठे हो, मतलब जल्दी जल्दी आपको देखना है कि ये इस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से करना है. एंड जो नहीं आ रहा है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उसके ऊपर एक अलग कलर के पेन से सर्कल लगा दो, जो कि हम लास्ट वीक में रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट इज दैट जो आप अभी इस हफ्ते मॉक टेस्ट देने वाले हैं ना, तो उस चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें कोई भी रफ कॉपी यूज़ नहीं करनी है. जैसे घर पे हम टेस्ट देते हैं तो क्या है ना कि आराम से रफ कॉपी मिल रही है, उस पर मतलब जितने पेजेस यूज़ किए उतना मतलब रफ काम कर सकते हैं. लेकिन जो आपका नीट का एग्ज़ाम होगा ना रियल, उसमें आपको एक भी रफ पेज नहीं मिलेगा, जितना साइड में स्पेस होगा. एंड रियल नीट के एग्ज़ाम में तो मतलब जितना कोचिंग वाले स्पेस देते हैं ना, उतना भी स्पेस नहीं होता. तो आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आफ्टर ऑल तो आपको एग्ज़ाम में मेन करना है ना, ये मॉक टेस्ट वगैरह का स्कोर तो वैसे मैटर नहीं करेगा. तो आप उसी के अकॉर्डिंग इस हफ्ते पूरी प्रैक्टिस करें कि आप कोई भी रफ शीट या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अगर कोई अभी भी ये करे कि हमें टाइम बचाना है, हम सिर्फ पेपर दे लेते हैं लेकिन OMR नहीं भरते, इससे अच्छा हम मतलब कुछ और रिवाइज कर लेंगे, कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में. आलस आपको OMR ज़रूर भरनी है, क्योंकि OMR की भी जो मिस्टेक होगी ना, मतलब आफ्टर ऑल आप जो भी पेपर पे कर रहे हो ना, उसका कुछ भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो NTA को सबमिट की जाएगी वो आपकी OMR होगी. तो OMR भरना आपको अच्छे से आना चाहिए. आप बोलेंगे तो हमें आते कि A को सर्कल कर दे, B को कर दे, लेकिन जब पेपर में करते हैं ना तो गलती हो जाती है, ऊपर नीचे देखने लग जाता है कई बार हम, मतलब बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ दिया देन उसी को फिल कर दिया. तो उस तरीके से मिस्टेक ना हो, तो ये वाला जो हफ्ता है ना आपका एज ए नीट मॉक टेस्ट हफ्ता है, मतलब मॉक टेस्ट इन द रियल फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट. तो उसे आप बिल्कुल ऐसे नीट एग्ज़ाम की फॉर्म में ही करें. एंड जो आप जैसे मॉक टेस्ट देंगे ना, तो जैसे घर पे हम मॉक टेस्ट देते हैं तो 2 से 5 20 के बीच में जैसे आपका पेपर होगा, तो ये नहीं करना कि उसके बीच में हमें भूख लग रही है हम कुछ खाना खा रहे हैं, नहीं करना. आपको उतना कंट्रोल करना है, क्योंकि आप रियल नीट एग्ज़ाम के बीच में तो कुछ नहीं खा पाएंगे. एंड तब तो आपका जो मतलब रिपोर्टिंग टाइम होगा वो भी बहुत जल्दी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करें इस हफ्ते में, ताकि आपको कोई और दिक्कत ना आए. एंड नेक्स्ट जो आपको करना है कि OMR आपको ज़रूर भरनी है, और टेंशन कुछ भी नहीं लेनी, मतलब टेंशन छोड़ दो, सिर्फ 2 हफ्ते पढ़ना है. मतलब ये सोचो कि हाँ थोड़ा ना, मतलब जितना आपका माइंडसेट अच्छा होगा ना, पॉजिटिव होगा, उतने ही ज़्यादा आपके पेपर के अच्छे होने के चांस होंगे. पढ़ाई जितनी करनी थी हम कर चुके हैं, रिविजन भी मोस्टली हो चुकी है, अभी तो बस हमें ये 2 हफ्ते किसी भी तरीके से अच्छे से निकालने हैं. मतलब तबीयत नहीं ख़राब करनी, तबीयत का पूरा ध्यान रखो. गर्मी आ रही है तो ऐसे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, अच्छे से पानी पियो, सब कुछ करो, तो वो सब चीज़ें आप करो. और जो मॉक टेस्ट का मेरे पास ऐसे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा स्कोर जो है 550 से 600 में स्टक हो गया है, तो हम क्या करें. देखो अब ये जो मॉक टेस्ट का स्कोर है ना, ये कुछ मैटर नहीं करेगा. एंड जितना आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है ना, उससे तो आपका अच्छा ही आने वाला है. लेकिन आप ये चीज़ के बारे में अगर सोच सोच के
आप ऐसे सोचते रह रहे ना तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो कुछ मत सोचो, बस जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं वही वाले पॉइंट्स आप अच्छे से रिवाइज़ करो, और जो भी आपने 2 साल में पढ़ा है मतलब उसको आप ऐसे करो कि उसमें से तो हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ दैट इस दिनों में क्या होता है, जैसे फिजिक्स वाला वगैरह भी है या और भी जो चैनल्स हैं वो अपने से महारिविजन टाइप से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो वो मुझसे कुछ बच्चे पूछे थे कि क्या हमें वो अटेंड करनी चाहिए। देखो मैंने पर्सनली अटेंड किए थे और मुझे उनका फ़ायदा हुआ था, तो आपको जैसा ठीक लगता है, ज़रूरी नहीं आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है, लेकिन अगर कर सके तो अच्छा है, क्योंकि इस समय हमें समझ नहीं आ रहा होता ना क्या करना है। तो आप ये करें कि उन्हें ऐसे लाइव मत देखें, थोड़ा सा आप ये कर सकते कि मान लो कोई लेक्चर 6 बजे शुरू हो रहा है तो आप उसे 9 बजे से देखने लग जाए, एंड देन 2x पे चला लो, एंड देन जब टीचर सेम स्पीड पे पहुंच जाए देन उतने टाइम में उसी टॉपिक की आप अपनी कॉपी रिवाइज़ कर लो। तो उस तरीके से आपके लिए रिविजन में भी मतलब फास्टर हो जाएगा कि आप अपनी कॉपी भी रिवाइज़ कर पा रहे हैं, साथ में कुछ ऐसा कंसेप्ट छूट तो नहीं रहा, क्योंकि टीचर्स को तो ज़्यादा आइडिया होता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन भी रिवाइज़ हो रहे हैं, एंड उस तरीके से आपका फ़ायदा रहेगा। एंड इस हफ्ते में एनसीईआरटी का क्या करना है, तो एनसीईआरटी का आपको मतलब वही डायग्राम्स ग्राफ्स ये सब चीज़ें आपको देखनी है, तो यही चीज़ें आपको नेक्स्ट हफ्ते भी देखनी होंगी। तो कुछ आप ऐसे स्पेसिफिक पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं, एक जो रफ कॉपी मैंने आपको लगाने को बोली थी कि जो हमें बिल्कुल आखिरी 3 दिन में करना होगा, पूरे लास्ट हफ्ते का भी 2 पार्ट्स होंगे, स्टार्टिंग के 4 दिन एंड देन 3 दिन, तो उस तरीके से आपको करना होगा। तो जो आखिरी के 3 दिन का होगा ना, तो उसमें आपको जो चीज़ें बिल्कुल ऐसे है कि ये तो पेपर में आने के बहुत चांस है या ये मुझे याद रहता ही नहीं है, तो वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अभी तो मुझे आपको यही बताना था, एंड अच्छे से पढ़ो, मतलब टेंशन मत लो इस हफ्ते में, मतलब जितना आप काम एंड कंपोज रहोगे ना उतना आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो अपना ध्यान रखो, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।